हेलो व्यूअर्स, मैं आप लोगों का दोस्त जॉय आपको स्वागत करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग पे। और फ्रेंड, आपने देखा मेरा लास्ट ब्लॉग जहाँ पे कि मैंने एक एक्वेरियम शॉप गया हुआ था और मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि अगर मुझे मन करेगा तो मैं एक्वेरियम खरीदूँगा। और फ्रेंड, मैंने एक्वेरियम खरीद लिया है। यस फ्रेंड, सही सुने, मैंने एक्वेरियम खरीद लिया है। तो आज के वीडियो पे मैं दिखाऊंगा मेरा एक्वेरियम, ठीक है। मैं मेरे एक्वेरियम पे कौन कौन से फिशेस रखा हूँ और कैसे डेकोरेट किया हूँ, आज का वीडियो रहेगा इसी के ऊपर। और फ्रेंड, मैं पूरा बिगिनर हूँ, मतलब एक्वेरियम के बारे में मुझे 0% आइडिया है, कुछ आइडिया नहीं है। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्वेरियम खरीद के यहाँ पर कुछ मतलब फिश सब रखा हुआ हूँ। तो मेरे वीडियो देखो, और अगर आपको कुछ पता है एक्वेरियम के बारे में तो आप नीचे कमेंट। फ्रेंड, ये रहा मेरा एक्वेरियम जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। और फ्रेंड, मुझे एक्वेरियम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैंने अपना एक्वेरियम को सिंपल रखा है, जहाँ पे कि आप लोग देख सकते हो मैं गौतम बुद्ध का मतलब एक मूर्ति रखा हुआ हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा लुक यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने 4 फिश रखे हुए हैं, आप सब फ्रेंड देख सकते हो। यह है टेट्रा फिश, विडो टेट्रा, जहाँ पर कि मैंने शायद पिंक और येलो कलर रखा है, ठीक है। तो ये मैं बिगिनर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फिश यहाँ पे रखा नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 फिश मतलब 4 टेट्रा रखा हूँ और 2 एंजल फिश। आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे वाइट कलर का एंजल है और वहाँ पे देखो फ्रेंड ब्लैक कलर का एंजल। तो मैं इतने ही फिश रखा हूँ, टोटल यहाँ पे 6 मछलियाँ हैं। और टाइम के साथ साथ मैं कुछ अलग करूँगा, पर ये फ्रेंड मैंने देखो ये आज ही मैंने मतलब ये सब सजाया है। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 आवर में मेरे से जितना हो सकता है मैंने यहाँ पे किया है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देखो मैं सी सेल लगाया हूँ, मतलब सी सेल से डेकोरेट किया हुआ हूँ। और फ्रेंड, ये जो सी सेल है ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना सी सेल है। जब मैं क्लास 7 में था तब मैं पूरी गया हुआ था और वहाँ पूरी से मैं ये सब लाया हूँ, ठीक है। पर आज मैं सेम सीसेल सबको मेरे ये एक्वेरियम पे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे फ्रेंड मैंने फिल्टर, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन मीटर लगाया हुआ हूँ, जिससे ये निकल रहा है। देखो फ्रेंड, बुलबुले बहुत ज़्यादा मतलब ऑसम लग रहा है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रियल एक्वेटिक प्लांट तो लगाया नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाले सब प्लांट सब है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने सैंड यूज नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा सैंड यूज किया तो पानी का कलर थोड़ा सा मतलब चेंज होने लग गया, मतलब वाइट होने लग गया, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया हूँ। और मेरा एक्वेरियम इतना भी बड़ा साइज का एक्वेरियम नहीं है, छोटा सा एक्वेरियम है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये रहा मतलब एक छोटा सा एक्वेरियम। और यहाँ पे देखो मेरे कुछ पेंटिंग्स, और ये रहा मेरे टेबल, और वहाँ पे मेरा फोन, ये रहा मेरा फोन फ्रेंड, ठीक है, ये रहा मेरा फोन। और फ्रेंड, गौतम बुद्ध से मेरा एक पर्सनल क्या बोलूँ कुछ है, इसलिए मैं गौतम बुद्ध का ही ज़्यादातर पसंद करता हूँ। आप खुद देखो मेरे पेंटिंग में भी आपको गौतम बुद्ध ही नज़र आएगा हर जगह, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्वेरियम, आपको कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, मैं मेरा एक्वेरियम को कैसे सजाया हूँ आप नीचे कमेंट करके मतलब बताना, ठीक है। देखो, ये है मेरा एंजल फेस, देखो। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि होगा क्या मतलब है, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं सिर्फ मेरे एक्वेरियम आप लोगों के साथ दिखाया। और फ्रेंड, आपको मेरा एक्वेरियम कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। फ्रेंड, मैं आऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो लेके। टेक केयर, बाय, जय जगन्नाथ।